नमस्कार दोस्तों, उन्नीस चैनल में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में उन्नीस चैनल के लिए 1032 दिन क्लास को देख रहे हैं और बात करो कैसे आप बहुत ही आसान तरह से इंग्लिश को पढ़ना सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में सिक्स लेटर वाले वर्ड जो कि एम शुरू होंगे वो तो आप देखेंगे ही, साथ ही एक टेक्स्ट रहेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वो कुछ वैसे ट्रिक्स होंगे जो कि आप नहीं जानते हैं कि इंग्लिश पढ़ते समय क्या क्या किस उस बात को ध्यान रखा जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो क्लिप लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना है, इसका नाम ओमनीसेंट है। तो चलिए, सबसे बेसिक बात है दोस्तों कि अल्फ़ाबेट के बारे में आपको अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। उच्चारण, जी हाँ दोस्तों, उच्चारण जो है आप अगर नहीं जानेंगे तो वर्ड्स कैसे इंग्लिश के पढ़ेंगे, जी हाँ, दम नहीं पढ़ पाएंगे। और जैसे कि एक वर्ड मैं यहाँ लिख दूँ और अगर दम नहीं पढ़ने आता है उनको, वो आप नहीं पढ़ पाएंगे, जी हाँ। क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, लेकिन कुछ हो सकते हैं पढ़ भी सके। चलिए एक और वर्ड लिख लेते हैं ताकि आपको और भी सहूलियत हो कि कैसे पढ़ा जाता है। अब बताइए, इसमें से जो आप उच्चारण कर सकते हैं तो इजी है, लेकिन क्यों और कैसे उच्चारण करना है ये इस बात को समझना होगा। अगर थोड़ा सा भी दिक्कत होती है तो यानी कि आप उच्चारण करने में सक्षम नहीं है तो वो क्यों, तो इस तरह दोस्तों कि 26 लेटर वाले इस अल्फ़ाबेट में, इस अल्फ़ाबेट को उच्चारण करने का तरीका जो है 68, जी हाँ दोस्तों, 68 तरह से, जी हाँ, सीधा दुगुना। इसके देखिए, अल्फ़ाबेट के दो पार्ट हैं, पहला तो भौगोलिक इसकी संख्या है 5, लेकिन एक डबल हो और जोड़ दीजिए इसमें, ठीक है, तो हो जाता है 6 डबल हो के साथ। इसका उच्चारण करने का कुल जो तरीका है तो वो है 23 नहीं, अब है 27 तरह से, क्योंकि डबल बढ़ गया। उसके बाद जो कॉन्सोनेंट संख्या 21 है, लेकिन उच्चारण करने का तरीका है 41 तरह से। इस तरह 41 और 27 मिलकर 68 हो जाते हैं। अब उसी तरह दूसरी तरफ दोस्तों, हिंदी व्याकरण के जो शुरुआत होता है वो वर्णमाला से होता है और इसके संख्या ये भी दो पार्ट में, पहला जो स्वर इसकी संख्या 14 और दूसरा है व्यंजन जिसकी संख्या 36। दोनों का अंग्रेजी याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर अंग्रेजी याद रखेंगे तो भी हिंदी के शब्द को पढ़ सकेंगे, क्योंकि हिंदी के बहुत सारे शब्द अंग्रेजी में लिख दिए गए हैं, जी हाँ, जैसे सभी का नाम, एड्रेस, स्थान का नाम, है ना, बहुत सारे स्टेटमेंट ये सब होते हैं, लिखे रहते हैं हिंदी में ही। और हम लोग सोशल मीडिया से जुड़ते हैं तो हिंदी के ही तो अंग्रेजी करके लिखते हैं, चाहे व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, या किसी को मैसेज कर रहे हो तब। तो दोस्तों, सबसे पहले वर्णमाला का पहला पाठ स्वर को देख लेते हैं। ये देखिए, अ आ ई ई, इसे ह्रस्व ई से दीर्घ ई बोलते हैं, उ ऊ ह्रस्व उ दीर्घ रु दीर्घ उ री री ह्रस्व री दीर्घ री, इसका अंग्रेजी ये है। मात्रा चिन्ह देखिए, अ का कुछ नहीं होता, आकार का ही हो, छोटी कार के इस तरह से बड़ी कार का ही हो गया, छोटी उकार के लिए, बड़ी उकार के लिए, री के लिए हो गया, और री बड़ी री के तो छोटा है यहाँ पर, उसके साथ एक और बड़ी री। उसका देखिए ए आई ओ अन अ, तो देखिए ए के लिए जो होता है ए, आई के लिए आई हो गया, ओ के लिए एक ऊपर एक नीचे होता है, अ के लिए दो ऊपर एक नीचे, अन के लिए ये हो गया, और ये चंद्र बिंदु हो गया, आ के लिए हो गया। ये लास्ट के तीन जो है, इस तीन को आप अच्छे से याद रखें, क्योंकि ये ही लोग भूल जा रहे हैं। और ख़ासकर री को भी ध्यान रखना है इसका इस्तेमाल। जैसे मान लीजिए लिखना है क्री, क्री नहीं, जैसे ये देखिए क्री लिखना है, क्री कृपा लिख रहे हैं, या मान लीजिए मृग लिख रहे हैं, है ना, तो ये री जो है, री को क्लिक क्या आर आई लिखेंगे, तो यही है री दोस्तों। तो या ऐसे के आर आई क्री हो गया, पी ऐसे पा हो गया, आकार है ना, आकार के डबल ए की जगह सिंगल ए का लिखते हैं। मान लीजिए लिख रहे हैं सीता, सीता लिख रहे हैं तो बड़ी के लिए डबल ई होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखिए एस आई टी होता है, यानी कि बड़ी ई की जगह छोटी ई का अंग्रेजी आई को ले ली है, सीता। तो यही चीज़ है, मृग लिख रहे हैं तो मृग लिखने के लिए देखिए मृग, ठीक है, मृग ये लिख दिया गया, लास्ट में लिखने की आवश्यकता नहीं है, समझ सकते हैं मृग। दोस्तों ये है स्वर, लेकिन स्वर अकेले में अपने आप को कुछ नहीं है जब तक कि आपको व्यंजन याद नहीं रहता, लेकिन व्यंजन मैक्सिमम लोगों को याद हिंदी के इंग्लिश के कॉन्सेंट की वजह से, या कह सकते हैं पहले से भी ए बी सी डी की जानने की वजह से। लेकिन इसमें कुछ चीज़ है, जैसे जी एच वाला, एच वाला सिस्टम है, एच जो है यहाँ दूसरे तीसरे में जो जुड़ जाता है, ठीक है, एच जुड़ जा रहा है पहले के साथ, यानी पहला के साथ ए जुड़ गया, तीसरा के साथ ए जुड़ गया, पहला के साथ ए जुड़ गया, तीसरा के साथ ए जुड़ गया, यही चीज़ सभी में चल रहा है, पहला के साथ ए जुड़ गया और तीसरा के साथ जुड़ गया, है ना।
तो ये जुड़ गया, जुड़ते चल रहा है। तो दोस्तों ये जो है व्यंजन छः तो 36, अब ये ऐसे अगर सभी में हेलंत आप देख रहे हैं, सभी में हेलंत देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अभी ये आधे अधूरे अक्षर है। इसमें इसको पूरा कब किया जाएगा, जब इसमें कोई स्वर जुड़ जाएगा, कोई स्वर का मतलब है दोस्तों अ से लेकर आ तक में कोई एक जुड़ेगा, एक ही जुड़ना है, तब वो अक्षर बना लेगा अक्षर। और इस तरह से अक्षर जब बन जाएगा तो अक्षर का अंग्रेजी आप कर लेंगे तो आप शब्द तो बना ही लेंगे ना। तो देखिए अक्षर को अक्षर में अक्षर को जोड़ते चलने से शब्द बनते हैं, और शब्दों के समूह को जो है दोस्तों वाक्य कहा जाता है, शब्दों के समूह को वाक्य कहा जाता है। जैसे मान लीजिए लिख दिया गया, यहाँ से मैं ले लेता हूँ प, आधा प एक्चुअली व्यंजन है, इसमें मैंने जोड़ दिया आ, आ जोड़ दिया, इस तरह से हमारा हो गया पा। तो व्यंजन में स्वर जुड़ा तब एक अक्षर बिना मात्रा चिन्ह के साथ पा। इस तरह से पी, यहाँ पर डबल ए भी लिख सकते हैं, सिंगल ए भी लिख सकते हैं, जो इच्छा करे वो लिख लीजिए। तो यहाँ पा हो गया, या डबल ए भी कर सकते हैं पा। तो ऐसे ही शब्दों को, लेकिन जब दो से तीन अक्षर होता है उसमें डबल ए की जगह ज़्यादातर सिंगल ए का ही इस्तेमाल किया जाता है, है ना। जैसे अगर आप लिख रहे हैं पा, पा लिख रहे हैं पा, तब तो आप पी डबल ए करते हैं पा, अच्छा लगता है। लेकिन लिख रहे हैं आप पापा, तब यहाँ पर दोस्तों पी ए करते हैं, यानी दो अक्षर पा और पा अक्षर जुड़कर पापा बना। अब जैसे देखिए क म ल, तीन अक्षर जुड़ा यहाँ पर, तीन अक्षर जुड़कर अक्षर एक बना क, सी ए से के से क, एम ए से म, और लास्ट में जो कि ल है उसमें ए लिखने की जरूरत नहीं होती है शब्द बनाते समय। या मान लीजिए लिख रहे हैं को, कोमल, ठीक है कोमल, तब क्या होगा, तीन अक्षर तब भी हो गया के ओ एम ए एल कोमल। लिख रहे हैं पुत्र, ठीक है, तो क्या होता है पी पी यू टी, अतरा के लिए टी आर ए पुत्र, है ना पुत्र, क्योंकि कंप्लीट है। लिख रहे हैं अनिल, अनिल लिख रहे हैं, ठीक है अनिल, अनिल तो क्या लिखते हैं ए एन आई एल, कितना अच्छा से अनिल लिख रहे हैं। लिख रहे हैं सुनील, सुनील ऐसे लिखते हैं, तो तब भी देखिए एस यू एन आई एल, यानी बड़ी ई के जगह, बड़ी का जबली होता है नहीं लिखकर आई का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से जो है कुछ सुविधाएँ ली गई है, कुछ तरीका है। जैसे मे लिख रहे हैं, मे मैं लिख रहे हैं, तो क्या लिखते हैं मैं का एम से म और ई के लिए ए, हो गया मैं। लोग ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिख कुछ लोग लिखते हैं, लेकिन करेक्ट लिखना है तो आई एन जोड़ना होगा, तब होगा करेक्ट मैं। चलिए अब कॉन्सोनेंट पे आते हैं। तो दोस्तों ये रहा कॉन्सोनेंट, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे अच्छे से याद कीजिए। थोड़ा सा कुछ और मैं जोड़ दूँ आपको समझने के लिए, ताकि आप जब भी इंग्लिश वर्ड पढ़े तो समझिए। जैसे मैंने पढ़ा था, लिखा था आपका रिसोर्स, ठीक है, फिर से मैं लिख देता हूँ री री एस आर ई एस ओ यू आर सी ई एस रिसोर्सेज, रिसोर्सेज, रिसोर्सेज में दोस्तों आप देखें आर ई को री बोलते हैं, सोर्स सोर्सेज, सी ई को स पढ़ तो सी ई को स पढ़ते हैं, सी आई को स पढ़ते हैं एक साथ, तो सी से क भी होता है स भी होता है, स कब होता है जब सी आई हो सी ई हो, जैसे सर्कल सी आई है, है ना। उसके बाद के से तो क होता ही है, सी सी एस से भी क, सी के से भी क, क्यू से भी क, और क्यू यू ई से भी क होता है, आर से र होता है, आर से ड भी होता है, इसको स बोलते ही हैं। ई एस को भी ज बोलते हैं, ई एस को ज बोलते हैं, टी को ट तो बोलते हैं, च स भी बोलते हैं। तो दोस्तों एक्स को तो एक्स बोलते ही हैं, जैसे ओ एक्स में एक्स को एक्स, एफ ओ एक्स फॉक्स, लेकिन कभी कभी वर्ड मीनिंग ई एक्स से स्टार्ट होता है, तब क्या होता है एक्स को एक्स या एक्स भी बोलते हैं, दोनों उच्चारण होता है एक्स एक्स दोनों, है ना, जेड वाई को या जेड को जैसे बोलते हैं। अब देखिए डी को ड बोलते हैं, ज भी बोलते हैं, कैसे, जैसे है ग्रेजुएट, एक वर्ड ले लेते हैं ग्रेजुएट, इसमें डी को ज बोला गया,
फिर देखिए गॉर्जियस लेते हैं, जी ओ आर जी ई ओ यू एस, पहला जी ग दूसरा जी ज, पहला जी ग दूसरा जी ज, दोनों को मिलाकर गॉर्जियस हो जाता है। तो ये है दोस्तों पढ़ने का बेस्ट तरीका, सीख लीजिए। टी को ट त बोलते हैं, चौसा तो बोलते हैं, जब टी के बाद आई स्टार्ट हो, इससे बन गया टी आई ओ एन सन और टी आई ए एल सी एन दो है। उसके बाद देखिए टी के बाद जब यू हो, टी यू आर ई चर, टी यू ए एल चूअल। अब एग्जांपल देखिए, सन एक्शन नेशन कंडीशन सब में आ गया, एसेंशियल कॉन्फिडेंशियल में ही सब होता है, नेचर नेचर में आ गया, कैंडिडेचर फ्यूचर है ना, कई वर्ड में आ जाता है। उसके बाद जैसे एक्चुअल फैक्चुअल कॉन्ट्रैक्चुअल ये सब में आ गया। तो इसको कॉपी पे लिख लीजिए, ये सब पार्ट्स ऑफ वर्ड हैं जो कि सफिक्स वाले हैं। अब चलिए दोस्तों देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पार्ट्स ऑफ वर्ड इसका प्रैक्टिस खुद करना है। इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, कैसे प्रैक्टिस करना है मैं समझा देता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर एस आई वी को सिव बोलते हैं, तो सिव यहाँ पर लिखा हुआ है, बाकी चीज यानी कि हर एक वर्ड में कुछ ना कुछ है तो सिव है। अब देख एक और से देख रहे हैं सी ओ एम कम बोलते हैं, तो कम यहाँ से कम मैंने ले लिया, कम कम, तो कम भी एक पार्ट है। फिर देखिए प्री, अगले स्लाइड में प्री आपको मिल जाएगा, और एन ई एन को एन बोलते हैं, एच के साथ लगाते हैं, ई एन है ना, एच लगा तो हेन हो जाता है। तो कॉम्प्रीहेंसिव चार पार्ट से एक वर्ड बन गया। इस तरह ये 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड जो हैं आपको बहुत ही काम आएंगे इसी तरह के। तो आपको सब इसे याद कर लेना है, लेकिन याद कर लेना उसके पहले प्रैक्टिस करना है। जैसे यहाँ सन बोलेगा तो इसको क्या पढ़ा गया, इसको क्या पढ़ा गया, सी एल जब इसको बोला गया, इसको चार्ज बोला गया, इसको क्या पढ़ा गया, सबको खुद ब खुद प्रैक्टिस करते सीख। चलिए आप उसके बाद ये रहा दोस्तों कोई और जो है आप स्लाइड इसका भी स्क्रीन शॉट ले लें। ये स्वेल्फ प्रैक्टिस का चीज़ है और मैंने बहुत बताया इसके बारे में। इसे ओ डब्ल्यू को बोलते हैं और बोलते हैं, ज़्यादातर ओ ही का उच्चारण हो रहा है, आपका कम उच्चारण होता है। ए सी वाई को जैसे जर भी बोलते हैं और स्योर भी बोलते हैं, जैसे यहाँ पर स्योर बोला गया, जर तो कभी बोलते हैं। तो ये सब चीज़ इसका भी स्क्रीन शॉट लीजिए, इसको भी पढ़कर देखिए कैसे पढ़ाता है। एक और है लास्ट का, देखिए लास्ट में एक आई सी ई को जोड़ लीजिए, जैसे कि बेसिक और ओ आर को जोड़ लीजिए, है ना, और भी होता है इसके अलावा भी, तो मैंने कुछ जोड़ा है। आर है इसका मतलब है कि मोटर, जिसमें ओ आर को आर बोलते हैं, तो यह टर लोगे। तो ये 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड जैसे ही आप याद करेंगे, और जब कोई वर्ड जब भी इंग्लिश के पढ़ेंगे तो आप उसमें वो कुछ पार्ट्स ऑफ वर्ड खोजने का प्रयास करें। अगर खोज लेते हैं तो वो आपका प्रैक्टिस होगा, और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आपको ये समझ में आने लगे कैसे कैसे वर्ड्स पढ़ने। जैसे मैं पढ़ दूँ यहाँ पर ए बी एल यू केबल बोलते हैं ना, तो एबल भी है, टी लगा तो टेबल हो गया, सी ओ कम बोलते हैं तो कम हो गया। अब पढ़ना यही ना था, एफ ओ एफ ओ कम्फर्टेबल, कितना ईजी है दोस्तों, बहुत ईजी है, तो इसलिए इसको याद रखें। अब चलिए ये देखिए, ये जो टेक्स्ट आ रहा है ये एन सी आर टी का टेक्स्ट है, और ये बार बार रोज डे बाई डे मैं चेक करता हूँ, रोज लिखता हूँ, और जिनको पढ़ने नहीं आता वो हमारे साथ यहाँ पढ़ सकते हैं कैसे कैसे पढ़ा जाता है। अगर कुछ नहीं आता तो रिविजन के लिए हमारे साथ बोलिए, उच्चारण करेंगे तो आपको उच्चारण करने में कोई दिक्कत नहीं होगी और आपको पढ़ने में भी बहुत ही मज़ा आएगा। जी हाँ, तो मैं यही कहूँगा कि आप सारे पार्ट्स वर्ड को पहले याद रखें, उन पार्ट्स ऑफ वर्ड को ऐसे ही ऐसे वर्ड्स में आप खोजें कि भाई कौन सा है। जैसे गॉड्स, जब भी कोई वर्ड को देखें तो गॉड्स देखें। कुछ वर्ड्स हिंदी के भी होंगे जिसके लिए हिंदी का शब्द, अगर नहीं पढ़ने आ रहा तो कुछ शब्द को हिंदी में कन्वर्ट करके देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ऐसे पढ़ा जाता है। जैसे यहाँ मैं बता दूँ, यहाँ आकाशवाणी लिखा हुआ है, लेकिन आप किसी जो पढ़ेंगे उसी को पता चलेगा ना कि आकाशवाणी है। आ का श वा नी है ना, आकाशवाणी, तो स्वर और व्यंजन भी याद रहना चाहिए, स्वर व्यंजन का अंग्रेजी भी। जी हाँ, जैसे देखिए इन ऑर्डर, ई आर को आर डी लगा तो डर हो गया, ऑर्डर। टू एस स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथन ई एन है ना, स्ट्रेंथन, देखिए यहाँ पर एस एस स्ट्रेंथन द फ्लो, ओ डब्ल्यू को बोलते हैं, एफ एल लगा फ्लो हो गया, ऑफ इन्फॉर्मेशन सन हो गया, फ्रॉम द ग्रास रूट टू द हायर, ई आर को बोलते हैं
आर लगा तो अर हो गया। लेबल द गवर्न ई आर एंड गवर्न बोलते हैं, भी लगा तो वर्न हो गया, गवर्नमेंट ई एन डिपेंड बोलते हैं लगा तो मेंट हो गया। वही पार्ट्स वर्ड है जो कि आपने अभी लिस्ट में देखे थे, आपको अब ध्यान से तो एक बार में नहीं दिखाऊ लेकिन वो आप देखेंगे तो मिल जाएगा। अर्न भी एंड भी एस मेड ए के बाद ये मेड, अब देखिए ई एल भी है तो सी लगा सी एल, तो एस स्पेशल पी आर प्रो, ये देखिए साइड में जन प्रोविजन टू ई एक्स क्या बोलते हैं एक्स, यहाँ पर आ गया एक्सटेंड ट्वेंटी फोर आवर्स। अब देखिए एस टी डी फैसिलिटी टू एवरी विलेज, ए जी को एज बोलते हैं विलेज इन द कंट्री, टी आर वाई को ट्री बोलते कंट्री। अब देखिए यहाँ देयर इज ए यूनिफॉर्म रेट ऑफ एस टी डी फैसिलिटी इसको टी लगा टीज ऑल ओवर ई आर को भी ओवर ऑल ओवर इंडिया, इट हैज़ बिन मेड एक के बाद ये है मेड पॉसिबल, आई वी एल ई को ईवल बोलते हैं, आई वी एल ई को ईवल बोलते हैं तो एस लगा तो सीबल हो गया, पॉसिबल बाय इंटेग्रेटिंग आई एन जी वे इंटीग्रेटिंग द डेवलपमेंट इन स्पेस, एक के बाद ही है सी को सब बोलते हैं स्पेस, टेक टी सी एच को टेक बोलते हैं टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी विद कम कम्यू सी यू कम बोलते हैं ना कम्युनिकेशन सन हो गया। फिर देखिए टेक्नो टेक टेक ये है वो डालिए टेक्नोलॉजी मास कम्युनिकेशन सन हो गया ना। अब देखिए प्रोवाइड्स पी आर को प्रो बोलते हैं वाइड्स प्रोवाइड्स एंटरटेन एंटरटेनमेंट ई एंटीग्रेंट एम्लगामेंट तो टेन हो गया एंटरटेनमेंट एंड देखिए एंटरटेनमेंट एंड क्रिएट्स अवेयर अवेयरनेस ओ एन जी को हम बोलते हैं लगा तो हम एम लगा मॉन्ग पॉलिसीज इट इंक्लूड्स रेडियो टेलीविजन न्यूज़पेपर मैगजीन्स बुक्स एंड फिल्म्स ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्ट वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स इन नेशन सन के साथ अल जुड़ गया तो नेशनल हो गया। अब देखिए यहाँ री भी एक पार्ट है और जन भी एक पार्ट है, इसके साथ अल भी एक पार्ट है, रीजनल एंड लोकल लैंग्वेजेस फॉर वेरियस कैटेगरीज ऑफ पीपल स्प्रेड ओवर ई आर पर भी लगा हुआ ओवर डिफरेंट ई एन डिफरेंट आर लगा तो रेंट ओवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री दूर दर्शन द नेशन के साथ जो है अल जुड़ गया है तो नेशनल टेलीविजन चैनल ऑफ इंडिया इज वन ऑफ द ई एस टू केस्ट बोलते हैं जी लगा तो जेस्ट हो गया लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड। दोस्तों ये है तरीका पढ़ने का, अगर कोई दिक्कत है तो वीडियो को पीछे करके आप फिर से इसे देख सकते हैं कैसे पढ़ा गया है। साथ ही दोस्तों अब जो है सिक्स लेटर वाले वर्ड देखिए मैंडेप मैंडेव मैंडेड मैंडेम मैंडर मैंडिल मैंडिल मैंडिस मैंडम मैंडर क्योंकि वो आर पर बोलते डी लगा डर हो गया मैनेज उसके देखिए मैनेज। नेक्स्ट है मैनेंट ई एन डिक्वेंट एन लगा नेंट मैनेंट। नेक्स्ट है मैनर्स मैनर्स के बाद देखिए मैनेट्स। नेक्स्ट है मैनेज मैनेज के बाद मैनफुल मैनफुल के बाद है मैंगल मैंगल के बाद देखें मैंगस 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 के बाद मैनेज्ड मैनेज्ड मैंजल मैंजल के बाद है मैंजर मैंजर फिर है मैंजेज मैंजेज के बाद है मैंजी। नेक्स्ट देखिए यहाँ से चलेंगे थोड़ा सा
पूरा एक ही बार मैंने ले लिया, ज़्यादा ऊपर नीचे है, तो मैंगल बी लग जाता है एम के जगह तो मैंगल हो जाता है, तो मैंगल, मैंगोस, मैन हुआ, मैन हवा, मैनिएक, एक है मैनिएक, मैनियस, मैनिक्स, मैनाइड, मैनीज है ना, मैनीला, मैनीऑक और है मैनियट। नेक्स्ट देखें यहाँ पर मैनिज्म, आई एस मूज बोलते हैं तो मैनिज्म हो गया, मैनिज्म के बाद देखें मैनिस्ट, मैनिस्ट के बाद है तो मैनिटा, मैनिटा के बाद देखिए मैनिटो, फिर है मैनिटू, मैनिटू के बाद है मैनकर्ड, उसके बाद देखिए मैनकश, उसके बाद है दोस्तों मैंकस, मैंकेस, मैंकेस के बाद है मैंकाइन, मैंकिन, मैनलीज, मैनलीज के बाद है मैनई, मैनई के बाद हो गया मैनन, मैनन है ना। ये था एक स्लाइड, दूसरे स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं दोस्तों, ये रहा मैनन्स, मैनन्स, नेक्स्ट है मैनिया, मैनिया, मैंड, मैंड, मैनर, मैनर के बाद देखिए मैनी, मैनी के बाद है मैनो, मैनो, उसके बाद है मैनोयाओ, मैनोयाओ, फिर ऐसो मैनोवो, मैनोवो के बाद है मैनोया, उसके बाद ऐसो मैनर्स, मैनर्स, माइनस के बाद है मैन, मैनर, मैनर के बाद है मैन, मैंक, फिर देखिए मैनरेड, मैनरेड के बाद है मैनरीज, मैनसेस, मैनसेस के बाद है मैनसिस, मैनसिस के बाद है मैनसोस, मैंटस, मैंटस के बाद मैंटल, मैंटल के बाद देखिए यहाँ मैंटियो है ना, मैंटियो, सब मेन मैन है, मैन, मैंटेस, मैंटीज, मैंटिक, फिर है मैंटीड और ये लास्ट में रहा मैंटीस। तो देखिए एक तो है ना कि सभी में मैंटीड है या देखिए जो भी है, मैन तो सभी में है, सभी पे सभी में मैन है। उसके बाद देखिए यहाँ पर से मैंटल, सॉरी मैंटल पढ़ेंगे, मैंटल, मैंटोस, फिर मैन, मैंट्रा, मैंटुआ, उसके बाद है तो मैनुअल, मैनुअल, यू है ना, अल, मैनुका, मैनुका के बाद देखें मैनुअल्स, मैनुअल्स के बाद है मैनर, मैनुअ, मैन, मैनेक्सेस, मैनेक्सेस, फिर देखिए मैने, मैनजेस, मैनजेस के बाद है मैन, मैंजिल, उसके बाद देखिए मैन, मैंजिस, नेक्स्ट जो है मैंजोल्स, मैंजोस, मैन जोस, नेक्स्ट है मा, माओहिस, माओहिस, माओइज्म, यहाँ मा लिख लीजिएगा, मोइस्ट, माओइस्ट, नेक्स्ट है माओ, माओ, वो यहाँ जुड़ जाएगा माओ, माओ, फिर देखिए यहाँ पर है माओमेट, माओमेट के बाद है माओरीज, माओरीज के बाद है माओटई, माओटई और माओरी, उसके बाद है मैपल्स, मैपल्स के बाद देखिए यहाँ पर मैप्ड और ये मैप्ड के बाद है मैपर। तो दोस्तों ये है तरीका कि कैसे पढ़ा जाता है वर्ड्स को, बारी बारी से आपने देखा होगा और नहीं तो आप फिर से देख कर कुछ समझ सकते हैं। दोस्तों अगर वोवेल्स, अगर वोवेल्स पे आपको पकड़ नहीं रहेगी तो आप वाकई में नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए वोवेल्स पे पकड़ बनाने के लिए जब भी वर्ड्स पढ़ें तो आप सारे वोवेल्स को देखें कि क्या उच्चारण हो सकता है। आप ए को चार तरह अलग अलग तरह नहीं पढ़ने हैं तो चार अलग अलग तरह से उच्चारण पहले दिमाग में करें, है ना, हालांकि दिमाग खुद ब खुद करने लगता है ये सब काम, आपको बताने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन शुरू में तो आपको करना ही होगा ना, आपको जैसे ही हैबिट बना लेंगे तो देखिए ए को चार, ई आई को पाँच, ओ यू को चार और ओ डबल को पाँच तरह से पढ़ते हैं। जैसे मैंने बोले कि भाई हैबिट बना लेते हैं, जैसे आपने देखा कि कैसे बनाए, जैसे अब यहाँ पर मैं लिख दूँ
SOCIAL, तो यहाँ ए है, तो इसको क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, तो ए सोशल, तो सोशल यानी अ पढ़ रहे हैं, है ना, इस तरह से। तो मिडल में एक हुआ, सोशल में एक हुआ, मास में एक हुआ, आ मेड में एक हो, ए मैन में एक हो, ए, है ना। उसी तरह वाटर में ई को अ पढ़ रहे हैं, पेन में ई को ए, पेन में ई को ए, और पीस में ई को बड़ी पढ़ रहे हैं, है ना, बड़ी बड़ी इस तरह से लिखते हैं पीस, अब इस तरह से लिखते हैं, देखिए ना, सी के बाद जो ई है उसको अ के रूप में पढ़ते हैं, पीस। पिन में ई का उच्चारण छोटी के रूप में, टाई, टायर, क्या बोलते हैं, टायर में आय का उच्चारण आय के रूप में, सर्कल में आय का उच्चारण अ के रूप में, सर्कल में आय का उच्चारण क्या होता है, अ के रूप में, सर्कल। उसके बाद एसओ में सम में ओ को अ पढ़ाता है, सम। अबाउट में ओ का उच्चारण आ के रूप में होता है, और प्रूव में ओ का उच्चारण जो है ओ के रूप में होगा, प्रूव। टोन में ओ का उच्चारण जो है ओ के रूप में होगा, टोन। उसके बाद ब्यूटी बट में यू को अ पढ़ते हैं, अ, बट। ब्यूटीफुट में यू को ओ पढ़ते हैं, और ट्यून में, ट्यून में यू को ई यू पढ़ते हैं, ये ट्यून है। एस डबल सुन में डबल ओ का उच्चारण जो है अ के रूप में हुआ, नहीं जी हाँ, तो ओ के रूप में, तभी तो सुन पढ़ रहे हैं, अ नहीं ओ। देखिए एफ एल डबल डी फ्लैट में डबल ओ का उच्चारण अ के रूप में होगा, जबकि एफ एल डबल वाला फ्लोर में डबल ओ का उच्चारण ओ के रूप में होता है। दोस्तों यही है प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका, कुछ दिक्कत हो तो आप फिर से आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों अब जो है वीडियो जो है 1200 से अधिक है, आप खोजना है तो ओमनी सेंट इंग्लिश यूट्यूब सर्च में गूगल पर टाइप कर सारे वीडियो क्लिक करें। वीडियो की संख्या दोस्तों 1200 से अधिक है। अगर आप पढ़ना सीखना चाहते हैं, शुद्ध शुद्ध लिखना चाहते हैं, एक ग्रामर के रूल रेगुलेशन को सेंटेंस से स्ट्रक्चर पर सेट कर देंगे, तो लिखते लिखते खुद ब खुद ग्रामर के रूल रेगुलेशन भी याद होंगे। साथ ही दोस्तों बोलना भी सीख सकते हैं, सब कुछ तेजी से मिलना, तो ग्रामर की बुक लेना मतलब सही करना है। कॉपी जरूर बना लीजिए प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि एक कॉपी भी हो जाए और रिवीजन के लिए आपके पास रहेगी। तो दोस्तों अंग्रेजी कैसे पढ़ना सीखेंगे ये है, देखिए इस तरह से आप ए ई आई ओ यू डबल ओ के मैंने कुछ वर्ड्स लिए हैं जो कि उच्चारण के अनुसार सेट कर दिए गए हैं, और आपको कुछ ऐसे ही वर्ड्स लेना है जिसका सीक्वेंस कोई लेना नहीं है, ए आई यू करके आपको कहीं से भी कोई वर्ड ले सकते हैं, जैसे मैंने रिसोर्स डेवलपमेंट बताया था शुरू में, कुछ भी ले लिए जो आप पहले से आपको उच्चारण आता हो, उसके बाद उसका पढ़िए कि क्या उच्चारण हुआ है भोवेल्स का, क्योंकि हमेशा दिमाग में रहना चाहिए। जैसे कम, सी ओ एम कम, यानी ओ को अ पढ़ा गया है, पनी, पनी में ए को अ पढ़ा गया है ना, अ तो अ है, सॉल्ट, सॉल्ट में ए को अ पढ़ा गया है तो आ है, केयर, केयर में ए को ए पढ़ा गया है तो ए है, केयर, और एम ए पी मैप में ए को ए पढ़ा गया तो ए है। उसके बाद पी आर पर, पर में ई को अ पढ़ते हैं, अ पर, एफ ई फी ई एफ एफ ई सी टी फैक्ट में ई को ए पढ़ते हैं, फैक्ट। उसके बाद प्रीफिक्स में जो ई है तो छोटी भी पढ़ सकते हैं, बड़ी भी पढ़ सकते हैं, टी एन टेन में ई को जो है ए पढ़ते हैं, टेन, टेन में ई को ए पढ़ते हैं। उसके बाद एस आई सर में आई का उच्चारण जो है अ के रूप में हो रहा है, अ, और फिग में आई का उच्चारण जो है छोटी के रूप में, टी में आई का उच्चारण जो है बड़ी के रूप में, और लाइन में आई का उच्चारण जो है आई के रूप में हो रहा है, लाइन। उसके बाद एसवेंसन, एसवेंसन में उनको आ पढ़ते हैं, सन में उनको आ पढ़ते हैं, ओ यू टी आउट में उनको आ पढ़ते हैं, आ, आउट। उसके बाद पी आर ओ वी, पी आर ओ वी प्रूव में डबल ओ को सिंगल ओ के ही ऊ पढ़ते हैं, प्रूव। और मोटो में दो है, एम के साथ साथ टीक है, दोनों ओ को ओ पढ़ते हैं, प्रूव, सॉरी मोटो, ओ मो एम एम ओ टी ओ टो, मोटो, है ना। उसके बाद देखिए बी यू टी बट में यू को अ पढ़ते हैं, अ, जबकि पी यू टी पुट में यू को ऊ पढ़ते हैं, पुट, और ट्यून में यू को ई यू पढ़ते हैं। साथ ही दोस्तों एफ एल डी फ्लड, फ्लड में डबल ओ का उच्चारण अ है, वो भी है, और लुक में डबल ओ का उच्चारण ऊ है, वो भी है। इस तरह दोस्तों आपका जो है 200 वर्ड्स सीक्वेंस में लेते हुए कहीं से लिख लें जिसका उच्चारण और स्पेलिंग आता हो। एक शर्त है, उच्चारण आना चाहिए जिस वर्ड को पढ़ रहे हैं, उस वर्ड का स्पेलिंग आना चाहिए। उसके बाद तो 20 वर्ड जो है पर डे लीजिए, इस तरह से 10 दिन तक आप प्रैक्टिस कीजिए। 11वें दिन आपको तो कुछ समझ में आने लगेगा कि कैसे आपने आज तक कुछ वर्ड्स को पढ़े होंगे या पढ़ चुके हैं, तो उसके बाद तब नए वर्ड्स लीजिए और उसको पढ़ के देखिए, सब कुछ समझ में आने लगेगा कि कैसे क्या पढ़ाया था। दोस्तों इस वीडियो में ही तो बताइए, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और बहुत लोगों को शेयर कीजिए, नए चैनल सब्सक्राइब कीजिए घंटी में आने वाले वीडियो के लिए।
प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करने कुछ भी वीडियो के लिंक यहाँ यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक यहाँ प्ले लिस्ट का लिंक यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो में बनाने के धन्यवाद। मिलते हैं ध्यान रखिए अपना धन्यवाद दोस्तों।